भाई सीट ही नहीं है, पांच सीट निकल रही है, आप उसमें रिजर्वेशन दे भी दो तो क्या फर्क पड़ना है, कोई किसी को नहीं मिलना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सबको नौकरी मिले, सबको शिक्षा मिले, और क्योंकि आप ये नहीं दे सकते तो आपके पास एक हथियार है रिजर्वेशन के नाम पे जनता को आपस में लड़ाने का। वो आरक्षण पे जो हर बार ये बोलते हैं कि आरक्षण पे बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जाति पे बात होनी चाहिए। इस देश का असली मुद्दा आरक्षण नहीं है, इस देश का जो कल्चर है एक एक रगों में जो बसा हुआ है लोगों के दिल दिमाग में वो जाति है। तो ले दे करके मुट्ठी भर सीटें आती हैं और अप्लाई करने वाले कम से कम जैसे 100 सीटें हैं तो 1,00,000 लड़के अप्लाई कर रहे हैं उसमें। तो अगर रिजर्वेशन और सारी चीज़ों को हटा भी लिया जाए तो भी सिर्फ 100 सीटें हैं। बहुत अच्छे नंबर पाने वाले भी बच्चे जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब भी समाज को तोड़ने का होता है, मुद्दों से भटकाने को होता है, तो कोई ना कोई नया सिगुफा छोड़ दिया जाता है रिजर्वेशन जैसी चीज़ का, ताकि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़े, रिजर्व अनरिजर्व से लड़े। प्रॉब्लम ये है कि ना तो बराबर नौकरियाँ हैं, ना तो कॉलेजेस में उतनी सीट है। हम रिसर्च में भागवत साहब, क्या आप जाति पे बात करेंगे, जाति को कैसे ख़त्म करें? रिजर्वेशन आप रख लेना, फिर हमें ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की। मोहन भागवत जी अगर बयान दे रहे हैं आरक्षण पे, तो उनको एक बार ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि सर आप 5 साल पिछले रहे, अभी फिर शुरू हो रहा है, कितनी नई नौकरियाँ आपने क्रिएट की, कितनी नई यूनिवर्सिटियाँ खोली, कितने नए लड़कों को वो दिया, कितने जो दूर दूर के बहुत आदिवासी इलाके के जंगल या गाँव में हैं वहाँ कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ के लड़के इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो भूख से मरने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? जो गरीब किसान सुसाइड कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो आप पाएंगे कि अधिकांश ही निम्न जाति से, दलित, ओबीसी या एसटी कैटेगरी से आने वाले से लोग हैं। आखिर क्या वजह है? इसका मतलब हम ये बातें हैं कि जो संविधान में दर्ज रिजर्वेशन है उससे अलग सोसाइटी में एक अघोषित रिजर्वेशन ऑलरेडी है जो पैसे वालों के लिए, और पैसा अधिकांशता ऐसे लोगों के पास है जो कि अपर कास्ट से आते हैं। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं बिल्कुल इस पर डिबेट होनी चाहिए, और डिबेट होनी चाहिए तो इन सारे रिजर्वेशन पर भी डिबेट होनी चाहिए, और तभी सही अर्थों में इस रिजर्वेशन पर भी डिबेट का सही समाधान निकाला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया, और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर बात करेंगे मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर के। मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर के पक्ष और विपक्ष के लोगों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण बातचीत होनी चाहिए, इसको लेकर के आपका क्या नजरिया है? आदरणीय मोहन भागवत जी को एक बार विचार करना चाहिए कि ये जो रिजर्वेशन है वो शब्द पर इतने क्यों फोकस देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं कहते? रिप्रेजेंटेशन में जो सदियों से वंचित और पिछड़ित रह गए, जिनको पीछे रखा गया, उनके शिक्षा और धन उपार्जन से रोक दिया गया, तो उनकी बातों को कौन रखेंगे? अब ये रिजर्वेशन जो आप कह रहे हैं 90 से दी गई है ओबीसी को या 51 से दिया गया है, ये तो ठीक से 100 साल भी नहीं हुए। जिस यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन तो 2007 से लागू किया गया है, और एजुकेशन में तो 2010 में अर्जुन सिंह जी दिए हायर एजुकेशन में, तो फिर ये 5 साल में ही पक्ष और विपक्ष क्या होता है? और पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको कम से कम तो 4 साल होना दीजिए, जब रिप्रेजेंटेशन की बात है, आरक्षण आरक्षण बोल करके क्यों इसको आप काला धब्बा लगाते हैं? ये मेरा मानना है। आदरणीय मोहन भागवत सर को एक बार इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह कहते हैं कि हम भारत को एक करना चाहते हैं, तो एक तो इसी बहाने से होगा ना, इसी रास्ते से होगा, उनके कहने से तो नहीं होगा। मंदिर में सदियों से आ रही है रिजर्वेशन, कभी उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं अभी तिरुपति मंदिर से आया हूँ, वहाँ पैसे गिनने के लिए बड़ा सा हॉल है, वो किसका पैसा है भाई? आम आदमी का ही तो है। कभी वहाँ भी हमें अवसर दीजिए, वहाँ के मठाधीश को मैंने देखा तो बैठे हुए हैं, हमें भी वहाँ अवसर दीजिए मंदिर का बनने का। मैं भाई कर्म से मैं भी बावन हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आरएसएस के जो लोग हैं वो आरक्षण के मुद्दे को जो हवा देते हैं वो इस बात से देते हैं कि जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब आरक्षण को जो डाला था संविधान में तो 10 साल का प्रावधान किया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियाँ इसको जो है बढ़ाती चली गई, तो अब जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसको जो है आर्थिक आधार पर कर दिया जाना चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष की अगर बातचीत हो तो क्यों ना हो? बात वो कह रहे हैं कि बातचीत में क्या इतराज है? नहीं, ये बातचीत कोई मतलब ही नहीं है, इसका क्या मतलब है? अभी 5 साल रिजर्वेशन दिए हुए हो गया और रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हो गया हायर एजुकेशन में, और उनमें कोई उनको अवसर ही नहीं मिला, और फिर कह रहे हैं कि आप देते चलिए, कितने सारे सीटें हैं जो खाली है, आपको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? कभी आप बीसी साहब के पास जाके बैठिए, बहुत सारे सीट तो भरे ही नहीं जा रहे हैं। नहीं, उनका ये तर्क ये है कि कम से कम ये तो पता चले कि आरक्षण से कितना लाभ पहुंचा है, कितना लाभ नहीं पहुंचा है, और नहीं पहुंचा है तो किसकी जवाबदेही है उसको तय किया जाए। 2015 में अनुप्रिया पटेल का लोकसभा में भाषण था, और उस भाषण का लबोलबाब यह है कि 27% रिजर्वेशन को केवल 14% दिया गया, और सच्चर कमेटी भी इस रिपोर्ट को इंगित करती है कि चीज़ें तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जा रही है।
रही बात रिजर्वेशन हो या ना हो, रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, आज भी गांव के जो पढ़ने लिखने की संस्थानें हैं आज तो उमरघट के समान है। वहां से पढ़ के बच्चे आएंगे नहीं तो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कौन। स्कूल जब खराब हो रही है तो किसी एक समाज के घर का थोड़ी हो रहा है, पूरे पूरे वो गाँव का खराब हो रहा है तो सारे बच्चे पीछे जा रहे हैं। कभी इस पर तो बात करिए, शिक्षा वहाँ से होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे संस्कृति स्कूल में, सिंधिया स्कूल में, दून स्कूल में, और हम पढ़ने के लिए रह गए 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे नदी पार करके वहाँ से पढ़ के आएंगे और तब कहेंगे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हमारा तो मानना है एक बार भारत में अब अर्बन और रूरल की बात करनी चाहिए, क्योंकि रूरल के बच्चे अब कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये जितने खाते पीते पॉलिटिक्स में जो दिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट यूनियन को, किसके घरों से है, सबके पेट भरे हुए घर के बच्चे हैं और इलीट क्लास के हैं और दूसरा शहरी क्षेत्र से हैं। गाँव से मानना नहीं है कि संसाधनों को जो है बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, आरक्षण पर बात ना हो। नहीं नहीं, आरक्षण कहने का मतलब रिप्रेजेंटेशन बोलिए ना, संसाधन बढ़ाइए, वो तो कहीं भी बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। आज 135 करोड़ लोग हैं, संसाधन के नाम पे क्या है। सरकारी स्कूल में जाके देखिए, संसाधन आपको देखना हो तो। बहस दूसरी ये भी छिड़ती है कि आरक्षण की आप बात कर रहे हैं लेकिन आरक्षण देंगे किसको, नौकरियों में आरक्षण देने की आप बात करते हैं लेकिन नौकरियां तो है ही नहीं। हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने उठाया है। एक्चुअली मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दे रहा हूँ, यहाँ एमफिल कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मैं SSC और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं बराबर दे रहा हूँ। तो क्या होता है, ले दे करके मुट्ठी भर सीटें आती हैं और अप्लाई करने वाले कम से कम जैसे 100 सीटें हैं तो 1 लाख लड़के अप्लाई कर रहे हैं उसमें। तो अगर रिजर्वेशन और सारी चीज़ों को हटा भी लिया जाए तो भी सिर्फ 100 सीटें हैं। बहुत अच्छे नंबर पाने वाले भी बच्चे जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी के, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब भी समाज को तोड़ने का होता है, मुद्दों से भटकाने को होता है, तो कोई ना कोई नया सिगुफा छोड़ दिया जाता है रिजर्वेशन जैसी चीज़ का, ताकि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़े, रिजर्व अनरिजर्व से लड़े। प्रॉब्लम ये है कि ना तो बराबर नौकरियां हैं, ना तो कॉलेजेस में उतनी सीट है। हम रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं भाई, कॉलेज एक कॉलेज जो है कम से कम 3-4 हज़ार, DU जो है DU 3-4 हज़ार लड़कों को कम से कम MA कराता होगा। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए, वहाँ वो 500-600 लड़कों को मास्टर्स करा रहे हैं, फिर रिसर्च में सीटें वो 10 निकाल रहे हैं। हम 100 लड़कों को ऐसे जानते हैं बाई नेम जो रिसर्च में काम करें तो बहुत अच्छा रिसर्च में काम करेंगे, लेकिन सीट ही नहीं है, वो कहाँ जा करके करेंगे। तो इस पे वो नॉन मेरिट, वो नॉन रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं, वो रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं, तो सीटें नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम ही है। अब 10 सीट है तो उसमें अगर 2 सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए दे दी गई है, 3-1 सीट किसी और के रिजर्व और 5 सीटें अनरिजर्व है, तो ये बताया जाता है देखो वो जो 5 सीटें हैं रिजर्व कैटेगरी की, ये तुम अनरिजर्व हो तो वो तुम्हारा हिस्सा है। इस तरह की चीज़ें प्रमोट करके, प्रोपोगेट करके लड़ाई जा रहे हैं, मतलब करी जा रही है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से सीटें भी बढ़नी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो रिसर्च का सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो। एम्प्लॉयमेंट में तो एकदम कमर टूट गई है, स्टूडेंट हर एक चीज़ की तैयारी करता है, कई सारे क्राइटेरिया लगा के सिर्फ उसे एलिमिनेट किया जा रहा है, उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से तो जॉब उसे दी नहीं जा रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि संसाधन, वो नौकरियाँ कम हैं, सीटें कम हैं, इन पर बढ़ाया जाए। मोहन भागवत जी अगर बयान दे रहे हैं आरक्षण पर तो उनको एक बार ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि सर आप 5 साल पिछले रहे हैं, अभी फिर शुरू हो रहा है, कितनी नई नौकरियां आपने क्रिएट की, कितनी नई यूनिवर्सिटियां खोली, कितने नए लड़कों को वो दिया, कितने जो दूर दूर के बहुत आदिवासी इलाके के जंगल या गांव में हैं वहां कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां के लड़के इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अपने भाई बहन छूट रहे हैं, वो जो है वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे क्योंकि है ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। तो चांसेस अवेलेबल कराए जाएँ। आप बताइए कि आप एक युवा छात्र हैं तो आपकी सोच क्या कहती है, क्या आरक्षण पर जो है बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो आरक्षण पे ये जो हर बार ये बोलते हैं कि आरक्षण पे बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जाति पे बात होनी चाहिए। इस देश का असली मुद्दा आरक्षण नहीं है, इस देश का जो कल्चर है या एक एक रगों में जो बसा हुआ है लोगों के दिल दिमाग में वो जाति है। तो जाति पे बात ना करके हर बार आरक्षण के पास इर्द गिर्द घुमाते हैं, कभी उनसे बोल दो कि जाति की समीक्षा कर लें कि जाति खत्म होनी चाहिए। ब्राह्मण और चमार आपस में शादी करने के लिए तैयार हैं, जाट राजपूत की आपस में शादी कराएंगे, उस पर चर्चा कराएंगे। ये हर बार ये आरक्षण का मुद्दा इसलिए उठा देते हैं क्योंकि इनको रोटियाँ सेकनी, अपना वोट बैंक बनाना है। दूसरा आरक्षण, ये दलितों के आरक्षण या OBC SC ST के आरक्षण की तो बात करते हैं, लेकिन क्या ये उस आरक्षण की बात करेंगे जिसमें मंदिरों में जो आरक्षण है, शादी ब्याह कौन कराता है, जीते भी खाते, मरने के मरता है जब कोई, उस पर भी खाते, जो ब्राह्मणों का जो बिना काम का मंत्र पढ़ना है उनसे होता क्या है हमें पता नहीं है। तो जो वहाँ पर इनका जो अघोषित आरक्षण है मंदिरों पे, जहाँ पे वो पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वो इकोनॉमी जो रिलीजियस इकोनॉमी है जो चला रहे हैं, तो उस पर जो इनका एकाधिकार है, जो उस पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है,
तो उसके भी कभी ये बात करेंगे, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भागवत साहब क्या आप जाति पे बात करेंगे, जाति को कैसे ख़त्म करें, रिजर्वेशन आप रख लेना, फिर हमें ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, आप बराबरी की बात करो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, रिजर्वेशन सिर्फ ये नहीं कि आरक्षण दे दे, वो रिप्रेजेंटेशन का मामला है कि कितने लोग, जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था कि एससी की जनसंख्या 16% थी उस टाइम, एसटी का 7% के आसपास, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया था जनसंख्या के हिसाब से। अगर आरक्षण पर बात करें जनसंख्या के हिसाब से, दो ब्राह्मणों को, एससी जितने उसको दो, ओबीसी तो इस हिसाब से 50% से भी ज़्यादा बन जाएंगे ओबीसी जाति, तो उसको उस हिसाब से रिजर्वेशन देंगे। अच्छा आप बताइए कि एक राय ये है जो कहती है कि आप जो है आरक्षण के नाम पर लोगों को जो है बांट रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं, एक राय ये कहती है कि नहीं आरक्षण को हटा दिए फिर उसके बाद में जो है करते हैं, बीच की जो राय है उसको हम समझने की चाह रहे हैं, आपकी बीच की राय जो है क्या है? देखिए हमारी कोई बीच की राय नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भागवत जी कि आरक्षण पे बात होनी चाहिए, पर इसी आरक्षण पे क्यों होनी चाहिए, सभी तरीके के आरक्षण पे होनी चाहिए। भाई आज DU में 10,000 करके स्टूडेंट 10,000 की फीस देके 15,000 की फीस देके यहाँ पढ़ पाता है, लाखों बच्चे जो कि यहाँ पे आ ही नहीं सकते या 10,000-20,000 रुपये महीना यहाँ पे रहने के लिए चाहिए वो नहीं दे सकते हैं। क्या ये पैसे वालों का एक तरीके का रिजर्वेशन नहीं है कि आपके जेब में पैसा है तो आप डिग्री खरीद लीजिए, इस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? इस पर क्यों नहीं होनी चाहिए कि छोटी बीमारी से, टीबी जैसी छोटी बीमारी से जिसका इलाज आराम से हो जाता है, उसमें गरीब आदमी मर जा रहा है लाखों की संख्या में, बच्चा जो है हॉस्पिटल के बाहर जो है गरीब आदमी महिला जो है वो जन्ने के लिए वो है, और अमीर आदमी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी अमेरिका में जाके इलाज करा ले रहा है, तो इस पर क्यों नहीं बात होना चाहिए कि भाई अमीर आदमी के लिए एक तरीके का हॉस्पिटल और गरीब आदमियों के लिए हॉस्पिटल भी नहीं है? तो ये जो रिजर्वेशन है या जो भूख से मरने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, जो गरीब किसान सुसाइड कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो आप पाएंगे कि अधिकांश ही निम्न जाति से, दलित OBC या ST कैटेगरी से आने वाले से लोग हैं। आखिर क्या वजह है इसका, मतलब हम ये बातें हैं कि जो संविधान में दर्ज रिजर्वेशन है उससे अलग सोसाइटी में एक अघोषित रिजर्वेशन ऑलरेडी है जो पैसे वालों के लिए, और पैसा अधिकांशता ऐसे लोगों के पास है जो कि अपर कास्ट से आते हैं। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं बिल्कुल इस पर डिबेट होनी चाहिए, और डिबेट होनी चाहिए तो इन सारे रिजर्वेशनों पर भी डिबेट होनी चाहिए, और तभी सही अर्थों में इस रिजर्वेशन पर भी डिबेट का सही समाधान निकाला जा सकता, नहीं तो आप बेसिकली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं और जिस चीज़ के लिए जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं जो RSS समर्थित या फिर कुछ राइट विंग समर्थित जो भी जितने भी पेज हैं, आप चाहे फेसबुक पे देख लीजिए चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर देख लीजिए, वो इन सब चीज़ों के लिए आरक्षण को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि देखिए एक रोड बना, ये रोड ऐसा ख़राब है तो इसका जाहिर तौर पर कोई ना कोई जो इंजीनियर रहा होगा वो जो है आरक्षण से पाया हुआ नौकरी होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसका जाँच होनी चाहिए। एक काम किया जाए कि भाई भारत में जितने पूंजीपति हैं, जितने मीडिया में लोग हैं, जितने इंजीनियर हैं, उनका डाटा निकाल लिया जाए कि वो किस कास्ट से आते हैं। हम तो चाहते हैं कि इसका पता लगना चाहिए, और बिल्कुल अगर उसमें क्या कहते हैं दलित वर्ग से आने वाले, OBC वर्ग से आने वाले, उनके वजह से ये ऐसा हो रहा है तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं जो भी इसमें शामिल उसको सजा मिलनी चाहिए, और आप पाएंगे कि ज़्यादा नपेंगे यही लोग जो कि इस तरीके की बात करते हैं, ज़्यादा वही लटकेंगे इस मामले में, क्योंकि भाई हमें मालूम है इंजीनियर से लेकर सारी ऊपरी पोस्टों पे अधिकतर ही कुछ हिस्से के लोगों का कब्जा है। ऐसे में ज़रूरी है कि भाई सबको समान शिक्षा मिले, सबको रोज़गार मिले, जब तक ये नहीं होता तब तक रिजर्वेशन को हटाना, वैसे इनडायरेक्टली रिजर्वेशन को ख़त्म ही कर चुके हैं। जो साथी अभी मुझसे पहले बात कर रहे थे, भाई सीटें नहीं है, 5 सीट निकल रही है, आप उसमें रिजर्वेशन दे भी दो तो क्या फ़र्क पड़ना है, कोई किसी को नहीं मिलना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सबको नौकरी मिले, सबको शिक्षा मिले, और क्योंकि आप ये नहीं दे सकते तो आपके पास एक हथियार है रिजर्वेशन के नाम पे जनता को आपस में लड़ाने का। और हमको अगर ये डिमांड लेके हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि हम छात्रों को एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ना होगा, और मोहन भागवत के पास भी कोई समाधान है नहीं, इसीलिए वो बात कह रहे हैं। यहाँ पर जितने भी छात्रों से हमने बात की उन्होंने उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो आरक्षण के नाम पर दरअसल जो बेरोजगारी की जो एक फौज खड़ी हो रही है उसको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को चाहिए ये कि वो संसाधनों को बढ़ाए, नौकरियों को बढ़ाए, जिससे आरक्षण जैसी समस्या जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।